हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। तो यस, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। तो आप देख रहे हो कि मेरे फेस पे कितना ग्लो रहता है और मेरे फेस पे कहीं भी डेड स्किन नहीं है, क्योंकि मैं एक नुस्खा अप्लाई करती हूँ जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। या तो वो है दिल थाम के बैठो तो यस, ये नींबू। तो लेमन हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा ही होता है, तो ये डेड स्किन को अच्छे से रिमूव कर देता है। बहुत ही पसंद है मुझे लेमन लगाना अपने फेस पे, क्योंकि डेड स्किन को अच्छे से रिमूव कर देता है। अगर नोज़ पे भी आपकी कहीं पे डेड स्किन हो जाती है, फेस पे हो जाती है, तो बहुत अच्छे से फेस के डेड स्किन को रिमूव करते हैं नींबू। तो नींबू को लेके आपको क्या करना है, इसके बीज निकाल दे रहे हैं। ये जो बीज है, ये बीज निकाल दे रहे हैं। अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना। आंखों के पास मत लगाना, और कहीं पे अगर पिंपल हो तो वहां पे भी लेमन को कभी भी अप्लाई मत करना। तो गाइस, मैंने अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया और अब मैं इस लेमन लगाने जा रही हूँ अपने फेस पे। तो लेमन को ऐसे स्क्वीज करें ताकि इसका जो जूस है वो बाहर आए, और फेस पे अपने ऐसे ऐसे अप्लाई करें स्क्वीज करते हुए। और पिंपल के पास नहीं लगाना, मैं बार बार बता रही हूँ वरना जलन मचेगी। तो जैसा कि मैंने बताया, तो मेरे फेस को 15 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ये देखो, नींबू बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल सूख गया है। देखो, अब हम इसे फेस को साफ कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ अप्लाई करनी है, अभी बताती हूँ। वो चीज़ इसमें है हनी और मिल्क को मैंने अच्छे से मिला दिया, ये दिख नहीं रहा है, हनी और मिल्क ही है। हाँ, तो हनी और मिल्क को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हमें इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। One hour later. तो गाइस, इसको 15 मिनट हो गए हैं और अपने फेस को वॉश करके आती हूँ। तो मैं अच्छे से अपने फेस को क्लीन करके आ गई हूँ। देख लो, मेरा फेस कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है। अभी ना कोई क्रीम लगाई है, ना कोई मॉइस्चराइजर। और बहुत अच्छा लेमन लगाने के बाद मैंने ये इसीलिए लगाया दूध और हनी, क्योंकि मेरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर दे, मुझे मॉइस्चराइजर क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी इसीलिए। फेस को जल्दी से साफ कर लेते हैं। देख लो,
हो गई ना गोरी। क्या 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 गाइस चलो कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा ये ड्राइंग टिप कैसा लगा। और तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आऊँगी डार्क सर्कल के लिए, डार्क सर्कल रिमूव करने के लिए, तो क्योंकि मैं भी अप्लाई करने वाली हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को प्यार देना, कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।